अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है जी जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं खुश आबाद होंगे और अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करम बनाए रखे, आमीन या रब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जी आज आपको स्पेशल सा वेलकम दें, तभी जो है ना आप लोग खुश होंगे। मुझे लगता है थोड़े थोड़े कभी कभी आप लोग भी नाराज़ हो जाते हैं इसीलिए आप लोग कमेंट्स में ना बड़ी कंजूसी दिखाते हैं। तो कोई नहीं, आज मौसम बड़ा प्यारा है बाहर, यकीन आप करें। और आज मेरा इरादा है, यहाँ पर हमारी सिटी में ना एक फर्नीचर की मतलब कि नुमाइश लगी है एक होटल में। तो मुझे कल मेरी फ्रेंड ने बताया, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना अली को फ़ोन करूंगी, उसको बोलूंगी कि मतलब शाम के टाइम थोड़ा सा टाइम निकालो और चलते। फिर मैंने उससे कॉल पे बात की तो वो कहता है ठीक है, कोई इशू नहीं है कि मैं आ जाता, तुम तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, तो फिर हम चलते हैं। तो बस जी अभी थोड़ी देर तक हम जाएँगे और इंशाल्लाह वहाँ जाके आपको दिखाएँगे कि वहाँ पर किस तरह का माहौल है। और आप सब भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और दूसरा ये कि मैं कैसी लग रही हूँ ये भी ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको मेरा स्क्रीन पे इस तरह आके बात करना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, या मींस के जैसे मैं आपको पहले व्लॉग्स में दिखाती हूँ उस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़रूर बताइए क्या कुछ नया है देखने के लिए, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। और बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं और मैं और शानजे और अली आया है मेरे साथ, और ये शानजे हमारी बैठी हुई है। हेलो शानजे, तो जी चल के दिखाते हैं आपको वहाँ का माहौल किस तरह का है। तो जी आप देख रहे हैं आज है रश कम, में कल जब हम वापसी भी आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा रश था। ये हवेली होटल है जी, यहाँ पे इन्होंने फर्नीचर की नुमाइश लगाई हुई है। हाँ शानजे क्या बात है, यहाँ पे अभी हम गाड़ी पार्क करने लगे। हाँ अभी चल के देखते हैं क्या है। हाँ जी तो ये आप देख रहे हैं जी हवेली की, और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं अली और मैं और शानजे आए। बस शानजे मजा आ रहा है, और अली सुनाओ। तो खैर फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा रश था सुना, और सेकंड डे कल हर हमने देखा था बस। हाँ जी शांति, अच्छा मैं सोच रही थी कि ये सारे सोफे क्यों उठा के बाहर लेके जा रहे हैं, अब मुझे जहन में आया कि ज़हरी बात है फर्नीचर की मींस के नुमाइश लगी हुई है, तो फिर ज़हरी बात है वहीं पे उन्होंने चल आ जाओ। ये बेडशीट्स माशाल्लाह वैसे ये है बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन है। ये भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, डिज़ाइन अच्छी है ना, है ना शांति अच्छे है? कौन सा अच्छा है, अच्छा इसकी क्या प्राइस लिखी हुई अली? नाउ जो है ना पहले 20,000 का था, नहीं पहले 28 का था, 28,000 का वैसे सस्ता ही इतना महंगा था नहीं। तो यकीन करें जी मुझे तो ये सोफ़ा बड़ा पसंद आया है, ये आप देख रहे हैं इसके साथ ये दो
इस तरह की सेटीज हैं। तो जी शानजे भी बैठी हुई है मजे से मेरी तरह, और ये देखिए इतना प्यारा, इसके अंदर ये इसकी सेटियां बनी हुई है। ये ऊपर टेबल है और इसके अंदर ये मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह ना इसकी फूल बने हुए हैं। इस तरह आप यूज करके इसको इसके अंदर दोबारा कर सकते हैं। ये भी इसके साथ ये वाला है एक सोफा, देखिए इसका डिजाइन और इसकी कीमत है जी 1.5 लाख इसकी प्राइस है। पहले 2 लाख थी और अभी कहते हैं जी जी 1.5 लाख आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो आप यकीन करें मुझे ये वाला सोफ़ा बहुत पसंद है, और बस किस्मत की बात है वो भाई कह रहे हैं कि ये जो है सेल हो चुके हैं, आपको ऑर्डर पे मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फिर आपको पता, फिर बंदे का मिजाज भी चेंज हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो ये कि अच्छा लग रहा है। ये भाई बता रहे हैं, कहते हैं कि बस आप लेट आए हैं। इसका डिजाइन बहुत प्यारा है। ये सोल्ड है ना टेबल? हाँ, ये टेबल सोल्ड है इसी सोफे के साथ। वो कब आएंगे सोफे वाले? वो अभी 9 बजे का टाइम है, ये मगरिब के टाइम है। ये कोई सोफा आपका बड़ा है? बस ये कितने का कलर, जरा लाइट है ना। हाँ, फिर कलर आपको लगता है वो हो जाएगा? कलर वो वाला जो है ना वो प्यारा लगता है। हाँ, मतलब अगर हम ऑर्डर देते तो हम ये वाला डिजाइन इस तरह का होना चाहिए, कलर जो है ना उस तरह का। हाँ, वैसे अली की बात भी ठीक है, वो कहता है कि ये इसकी जो ना ये बड़ी ऐसे ना सो मतलब सॉलिड सी ना ऐसे आप सोफ़ा देखिए, ये इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है। लेकिन इतने लाइट कलर ना आपके, या तो अलहदा से ड्राइंग रूम हो स्पेशल, बच्चों की एंट्री ना हो तो वहाँ पे। मैं तो हैरान, यूजली जो हमारे यूज़ के होते ना उनमें तेज़ कलर के अच्छे लगते हैं छोटे बच्चों को, आपको पता है घर में दाग वगैरह जल्दी लगते हैं। हाँ, डिज़ाइन की वीडियो बना ली माशाल्लाह, ये भी डिज़ाइन कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ये ब्लैक कलर में इसका देखिए, ग्रे ब्लैक ज़्यादातर ब्लू इस तरह के कलर जो है ना, इसकी डिज़ाइन ही ज़्यादा अच्छी है। इसकी प्राइस क्या है जी? कॉर्नर पार्क 1,35,000। जी अली शानजे, अच्छा लग रहा है? चेयर्स ही कह रहे हैं, अगर आप ये टेबल लेंगे तो आप ये वाली चेयर्स टेबल आपको साथ है ना शानजे? डिज़ाइन तो बड़े प्यारे प्यारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए जी, ज़्यादातर स्किन गोल्डन और ग्रे कलर ही हमें देखने को मिल रहा है हर तरफ। अहमद फर्नीचर स्टॉल लगाए हुए हैं, अपनी अपनी फैक्ट्री जैसे कारखाने होते हैं ना उनके, इसका भी डिज़ाइन का चीज है, एम्ब्रॉयडरी के बैग जैसे वो 2500 वाले, ये 2000 वाले।
काफी अच्छी वैरायटी है जैसे पुराने पाक का ग्लेक है 3,000 3,500 ये क्या चीज है ये गिलास और जग बसेंट है हाँ टेबल सही ये कुशन सेट है क्या प्राइसेस की ये 5 कुशन होंगे 13,000 होंगे इसमें ये मिल जाएगा आपको 13,000 का ठीक मोटी लगे हुए सॉरी तो ये इसकी क्या प्राइस है ये इसके 2,500 होल सेल रेट 300 मिल जाएगा इसमें फ्रेश पीस मिल जाएगा चांदे बाय बाय ये देखिए यहाँ भी ये डिफरेंट वैरायटी हाँ ये भी प्यारा ना असल में जो कॉम्बिनेशन में ना मैं बताऊँ वो ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं जी ये सब जगह का हमने व्यू कर लिया अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं शांत है ए शांत है बाय करो डेकोरेशन पीसेस हैं छोटे छोटे कितने छोटे अलादीन का चिराग भी है शांत है क्या बली सर पे बिना उस ये प्लास्टर पैरिस की अंडी की मट्टी के हाथ से बने हैं ये ऊपर पेंट किया हुआ है धोपी सकते हैं कोका भी लग सकता है ये देखो सोच के सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी बाहर जाके सर्दी तो जी अभी हम बस बाहर निकल आए और ये अली और मैं अभी यहाँ से कोई चाय वगैरह देखते हैं अगर चाय अवेलेबल हो तो चाय पीते हैं है अली मैं समझ रही थी शायद कश्मीरी चाय वगैरह है मेरी वो फेवरेट है तो फिर मैं ऐसे सादी चाय पीने का भी मेरा मूड नहीं था क्योंकि अभी हम आए घर से और घर से मैं हर चाय पी के निकली ये भी बड़ी खूबसूरत जी एक देखिए यहाँ से इंट्रेंस है इसकी बनी हुई आपको याद होगा मैंने पहले भी एक दफ़ा यहाँ से वीडियो बनाई थी भूख लगी है पॉपकॉर्न खाने अच्छा जी आज आपको खिलाएंगे पॉपकॉर्न शान से कल से याद करिए ना शान से तो यहाँ पे जी ये है बाहर हवेली जहाँ पे अभी आपको हमने विजिट करवाया ये फर्नीचर आज इसका आखिरी दिन था चले हमने भी वो कह देना ये है जी हवेली होटल और यहाँ पे नुमाइश की थी उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा ओके जी बाय बाय